नमस्कार दोस्तों, मैं रीना शुक्ला देसी रसोई एंड ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए कितनी सारी साड़ियाँ पड़ी हुई हैं। ये साड़ियाँ क्या थे, जो मम्मी भागवत हुई थी वही सबको दे रही थी, विदाई मतलब। और यहाँ पर देख लीजिए मेरा छोटाला देवर मुझसे कितना शर्म आता है, मेरे बगल में खड़ा हो जाता है तो तुरंत हंसने लगता है, उसको बहुत मुझसे शर्म आती है। और यहाँ पर मैं ऐसे ही क्लिप ले रही थी थोड़ी थोड़ी, और मुझे भैया को परेशान करने में अच्छा लगता है। जब भी छोटा वाला देवर मेरे सामने रहता है तो मैं उसको ऐसे ही परेशान कर देती हूँ। और मम्मी ने जब भागवत सुनी थी तो जब घर पे काफ़ी नात बात आए थे, तो जब वो विदा हो रहे थे तो मम्मी ने सबको साड़ियाँ दी थी। तो यहाँ पर देख लीजिए वही साड़ी दे रहे हैं। यहाँ पर मेरी और मम्मी की बहस हो रही थी, और यहाँ पर देख लीजिए मुन्नी दीदी हमारी तैयार हो रही हैं, और निशा नाराज़ बैठी हुई थी पता नहीं किस लिए। और मुन्नी दीदी देखिए नाराज़, मुन्नी दीदी अपने घर जाने के लिए तैयार थी। ये मेरी बड़ी वाली नंद है, अपने ससुराल जा रही थी। और यहाँ पर देखिए मैंने भूमि के लिए एक साइकिल मतलब पसंद की थी। भूमि ऐसे ही पैदल जाती थी तो इनका कोचिंग काफ़ी दूर पड़ता था, तो आज हमने भूमि के लिए एक साइकिल ले ली है। तो यहाँ पर देखिए जिस दुकान पे हम लोग साइकिल पसंद करने आए थे यहाँ पर काफ़ी ऊंचा रेट बता रहे थे, और क्यूट सा बाबू भी यहाँ पर था, और मुझे साइकिल इतनी पसंद भी यहाँ पर नहीं आई थी, और रेट बिल्कुल भी कम नहीं कर रहे थे, अपने ही मनमाफिक रेट ले रहे थे, एक भी पैसा नहीं कम कर रहे थे यहाँ पर। तो मैंने कई साइकिल यहाँ पर देखी थी, भूमि भी हमारे साथ आई थी, फिर मैंने यहाँ पर साइकिल नहीं ली, हम लोगों ने दूसरी जगह जाकर साइकिल ली है। ये हमारे यहाँ की लोकल मार्केट है, तो मैंने, और देखिए ये जो लड़की है यही मतलब इस साइकिल की दुकान को पूरा संभाल रही थी, जितना भी पैसा का लेन देन था या कुछ भी था तो वो सब यही लड़की कर रही थी। तो लड़की और लड़कों में कोई भी भेद नहीं होता, बच्चे काफ़ी समझदार हैं आज के युग में। तो ये जहाँ पर साइकिल रखी जाती थी वो स्टोर रूम है, तो वहीं पर देखिए हम लोग जा रहे थे, अंदर गोडाउन बना हुआ था, वहाँ पर काफ़ी साइकिल थी, लेकिन यहाँ भी हमें कोई साइकिल नहीं पसंद आई थी। तो यहाँ फिर हमने साइकिल नहीं ली थी। और मैं जो उस लड़की की बात कर रही हूँ तो मैं वो ये बता रही हूँ कि देखिए इतनी बड़ी दुकान वो लड़की खुद संभाल रही है और लेन देन कितने अच्छे से कर रही है। और यहाँ पर देखिए हम लोग दूसरी दुकान पे आ गए हैं, अब साइकिल की दूसरी दुकान है। तो यहाँ पर मुझे ये जो ग्रीन वाली साइकिल है इसके पीछे वाली साइकिल पसंद आ गई, यहाँ पर इन्होंने रेट भी सही लगा लिया था, तो मैंने देखिए यही वाली साइकिल पसंद कर ली थी। भूमि ने भी पसंद की थी, मतलब मैंने, देवर ने और भूमि ने, तीनों ने मिलकर यही साइकिल पसंद की है। तो मैं भी गई थी भैया जी के साथ में, और साइकिल देखिए थोड़ी सी ऑरेंज रेड कलर की है, और ये भूमि को चाबी देखिए हैंडओवर हो गई है, भूमि आज से साइकिल की मालिक हो गई हैं। और साइकिल काफ़ी अच्छी मिल गई है मुझे, रेट तो थोड़ा यहाँ भी ज़्यादा था, कम नहीं हुआ है। और कहते यहाँ देखिए मैं भैया के साथ वापस घर आ रही हूँ, रात हो गई थी काफ़ी, लेकिन साइकिल मिल गई भूमि को तो भूमि काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही थी। इससे भूमि को आसानी हो जाएगी क्या थे कोचिंग आने जाने की। ये देखिए भूमि के पापा भी साइकिल चला के देख रहे थे, हमारे शुक्ला जी, जब वो बाइक चलाने लगे इतने साल हो गए तो अब साइकिल की आदत छूट गई, तो उनको भी थोड़ा अजीब लग रहा था। वो बता रहे थे कि जब वो कॉलेज में पढ़ते थे तभी साइकिल चलाते थे। और वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर